आज मैंने वैसे आईलाइनर को जगह पे मैंने काजल लगाया है, दिख रहा है क्या आपको? एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैसूर पे आपको कहाँ पे सिल्क का स्कार्फ अच्छा मिलेगा या फिर सेटिन का क्लोथ अच्छा मिलेगा। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिनको भी कर्ली हेयर्स है या फिर वेवी हेयर्स हैं, उनको कॉटन की पिलो कवर पे नहीं सोना चाहिए, उससे बाल रफ होता है और फ्रीज बहुत ज़्यादा आता है। ये हो गया पहला बात। फिर अगर कॉटन का पिलो कवर में नहीं सोना है तो किस पे सोना है? तो यू कैन ऑप्ट फॉर सिल्क, अदरवाइज सैटिन। अभी आप लोग पूछेंगे क्यों? क्योंकि सिल्क का जो क्लोथ होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिस कारण फ्रिक्शन नहीं होता है और उस कारण हमारा हेयर बहुत सॉफ्ट रहता है, मतलब उसमें फ्रीज नहीं आता है। और एक इसका रीज़न ये है कि हमारे बालों से जो मॉइस्चर है ये कॉटन एब्जॉर्ब कर लेता है। जब हम बाल धो के आते हैं तब हम कॉटन का टी शर्ट से क्यों रैप करते, ताकि बाल से मॉइस्चर जल्दी एब्जॉर्ब कर ले। वैसे ही जब हम सोते हैं, अगर हम कॉटन के पिलो कवर में सो रहे हैं तो हमारे बालों से जितने भी मॉइस्चर है वो पिलो कवर एब्जॉर्ब कर लेगा। इस कारण हमें सैटिन या फिर सिल्क कोई भी एक चूज करना चाहिए। अब आप पूछोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिल्क एंड सैटिन। तो सिल्क जो है ये नेचुरल है, सिल्क वर्म तो आपको पता ही होगा एंड मैसूर इज फेमस फॉर सिल्क। आप मतलब सबको ही पता होगा कि मैसूर सिल्क के लिए फेमस है। और सैटिन जो है ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, लेकिन दोनों का काम है वो एक ही है। अगर कंपेयर किया जाए तो सिल्क ज़्यादा अच्छा है और सिल्क कॉस्टली भी ज़्यादा है। अब अगर आप मैसूर पे आते हैं तो मैंने जितने भी टूरिस्ट को देखा है यहाँ से, वो सिल्क का एक दो साड़ियाँ तो ले ही जाते हैं, तो क्यों ना हम सिल्क का एक स्कार्फ ले लेंगे हमारे बाल के लिए, क्योंकि बालों को, हमारी कर्ली हेयर को बहुत एकदम बेबी जैसा हमें केयर करना चाहिए। उनको केयर करेंगे वो हमें रिटर्न देंगे, है ना। तो मैं ये जो मंडे था, ये मंडे मैं पूरा दिन, हाफ ऑफ द डे मेरा यही था कि मैंने ढूंढा कि कहाँ पे अच्छा होगा कहाँ पे नहीं। एक्चुअली मैंने पहले थोड़ा रिसर्च भी किया था। मैसूर में मैं लास्ट 2 साल से 3 साल से रह रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है यहाँ के बारे में। सिल्क की मैंने कभी स्कार्फ नहीं लिया था पहले, मेरी मम्मी यहाँ से साड़ी ले गई है तो मुझे पता था कि कहाँ पे साड़ी अच्छा मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता है। और ये जो पर्टिकुलर शॉप है, इस शॉप में ऑथेंटिक सिल्क मिलता है। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं कोई भी शॉप का यहाँ पे स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ या फिर एडवर्टाइज, मैं इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको हेल्प हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आके ऐसा कुछ ले और वो आप यूज़ करें जिससे कि आपको कुछ लॉस हो। हर वक्त मैं यही चाहती हूँ कि आपका हेल्प हो। तो अगर आप, इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिल्क, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलर एक शॉप के बारे में बोल रही हूँ और वो शॉप का नाम है बादशाह बाजार। मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, आप लोग देख ले। सो ये जो पर्टिकुलर जो शॉप है बादशाह बाजार, इसके 2 आउटलेट मुझे अब तक दिखे। एक है, मैं जैसे मैंने बताया कि सिटी बस स्टैंड के यहाँ पे, और एक है मंडी के पास, मैसूर मंडी, जो बड़ी सी मंडी बैठती है यहाँ पे इसके पास। उसके आसपास पे आपको एन नंबर ऑफ शॉप्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस शॉप से मैंने लिया क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स भी यहीं से लेती है और मेरी मम्मी जब आई थी यहीं से ली, तो साड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मुझे इस शॉप के बारे में पता है। इस शॉप बहुत ही पुराना है, 1914 से ये शॉप है। मैं इसके बाद वीडियो देने वाली हूँ, आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं था, लेकिन जहाँ तक हो सके मैंने वीडियो शूट करने का कोशिश किया है, तो आप लोग देख लीजिए। यू आर लुकिंग फॉर सिल्क शॉप, दिस इज़ द वन। अगर आपको सिल्क साड़ी चाहिए, सिल्क स्कार्फ चाहिए, ये है। मैं आज मेरे बालों के लिए सिल्क की एक स्कार्फ लेने वाली हूँ। सो यही है वो शॉप, बादशाह बाजार पास में। यहाँ पे बहुत सारे सिल्क के शॉप है। डू यू हैव सिल्क स्कार्फ? फोटो नॉट अलाउड भाई। तो अगर आप
इस शॉप में जाते हो तो पहले से ही मैं बता दूंगी आप लोग कैमरा वैमरा मत निकालो, फिर आपको बोलेंगे कि फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड वगैरह वगैरह. सो मैंने यहाँ से एक सिल्क की स्कार्फ लिया है. वहां पे बहुत सारे आपको वैरायटी में मिलेंगे, सिल्क के साथ थोड़ा सा सेटिन मिक्स, सिल्क के साथ ये मिक्स वो मिक्स, बहुत सारे हैं और बहुत सारे रेंज में, प्राइस रेंज में भी है. लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अभी इन्वेस्ट नहीं करना था क्योंकि मुझे एक बार देखना था कि, क्योंकि मैं भी सिल्क की कुछ भी यूज़ नहीं की हूँ. मेरे पास बस एक सिल्क का स्कर्ट है, लेकिन मुझे हिट के लिए चाहिए स्कार्फ. मतलब मैं जब बाहर जाऊँगी तो मुझे बाल बांधना है. तो मैंने एक सिल्क, एक सबसे सस्ता जो था वही वाला लिया है, सबसे लोएस्ट में था. सो इसमें बहुत सारा कलर अवेलेबल था उनके पास, लेकिन मैंने पर्टिकुलर ये कलर लिया क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है. सो ये है वो स्कार्फ, दिख रही हूँ ना, इतना ही लंबा है और विड्थ में इतना है. मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, इतना ही है विड्थ में, लंबाई में इतना है इतना, उसके बाद इतना, और कलर कुछ ऐसा है, ब्लू है. सो इसका प्राइस आया है 298. एरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, देखिए कितना सॉफ्ट है, छोटू सा हो जाता है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है और एकदम मुलायम है. सिल्क है तो मुलायम तो होगा ही. साफ है ना, उसका कलर है कुछ ब्लू और उसमें प्रिंटेड वर्क है ग्रीन पिंक और ब्लू में. एक नॉर्मल सा प्रिंट है, मतलब ये प्रिंट तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन और पे बहुत से 400 के थे, 800 के थे, 1200 के थे, 2000 के थे, बहुत सारे थे. सिंपल कपड़ा उनके पास, सिंपल कपड़ा भी था. अगर आपको वहाँ से बस कपड़ा लेना है तो आप कपड़ा भी ले सकते हो वहाँ से, लेकिन मुझे, मैंने बस वहाँ से स्कार्फ लिया. अब मेरा सिल्क का स्कार्फ का शॉपिंग हो गया. उसके बाद मुझे लेना था एक सेटिन का और कपड़ा, मतलब मटेरियल जिसको कहते हैं. तो मैं वहीं पे देख रही थी एक्चुअली, वहाँ पे प्राइस था सेटिन का 880, कपड़ा का प्राइस जस्ट. तो मैंने उनको बताया कि ये तो बहुत ज़्यादा है, 880 बस मटेरियल का तो बहुत ज़्यादा है. तो उन्होंने कहा कि आप सोचिए, शॉप का ओनर ही मुझे रिकमेंड किए कि आपको जैसा चाहिए, आप जमजम मार्केट है यहाँ पे मैसूर पे, मुझे पता है वो शॉप के बारे में भी, आप उस शॉप में चले जाइए क्योंकि वहाँ पे आपको जैसा चाहिए आपको मिल जाएगा. अभी जमजम मार्केट इज़ फेमस फॉर मटेरियल. आपको वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर कपड़ा का मटेरियल वहाँ पे आपको मिलेगा. सलवार का पीस बोलिए, लहंगा, लहंगा जो होता है गाउन उसका बोलिए, चोली का बोलिए, दुपट्टा बोलिए, जो जमजम मार्केट है, मैं उसका पॉली बैग का आपको दिखाती हूँ. ये है जमजम मार्केट का, जमजम बाजार में है. तो ये है मीना बाजार में. मीना बाजार इज नियर सेंट फिलोमिना जो चर्च है उसके पास ही है, उसके साइड से ऐसे गली जाती है वो. वहाँ पे आपको मीना बाजार बहुत ही एक लाइवली जगह है. आप अगर मैसूर में आते हो, सेंट फिलोमिना चर्च के पास ही है तो आराम से आप ले सकते हैं. फिर मीना बाजार के ठीक बीचों बीच में है, आप वहाँ से जाइए और वहाँ पे जाके उनको बस बोलिए कि मुझे सेटिन का कपड़ा चाहिए एंड यू आर डन. वो आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे. मैं वीडियो दिखाती हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वहाँ पे कितने सारे मुझे ऑप्शंस मिले और आप खुद ही समझ जाएंगे कि जमजम मार्केट इज मतलब ट्रूली फेमस फॉर मटेरियल. लेकिन जमजम मार्केट में आप सिल्क मत लीजिए. वो लोग मुझे बोले हैं, मैसूर का एक चीज़ बहुत अच्छा है, दे आर ऑनेस्ट विथ कस्टमर. तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आप यहाँ से सिल्क मत लीजिए क्योंकि वहाँ पे जो सिल्क था वो लोग कुछ तो बोल रहे थे वो दूसरा टाइप का सिल्क है. तो उन्होंने मुझे खुद मना कि अगर आपको लेना है तो आप मतलब मार्केट पे जाके कोई शॉप से आप ले लीजिए सिल्क का. सो जमजम मार्केट इज़ ओनली फॉर अदर मटेरियल अदर देन सिल्क. सो यहाँ से मैंने सिल्क का लिया है. मैंने 2 मीटर का कपड़ा लिया और एक एक मीटर मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ में. तो आप पहले वीडियो देख लीजिए.
जमजम बाज़ार जो कि मीना बाज़ार में लोकेटेड है, और इस शॉप का ये थर्ड फ्लोर है जहाँ पे वो ऐसा स्टोर रूम जैसा है, लेकिन अगर कस्टमर कहते हैं कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आया तो वो वहाँ पे ले जाते हैं और उनको ही चॉइस करने का ऑप्शंस देते हैं कि आपको कौन सा चाहिए। एक टाइप का मैं कह सकती हूँ होलसेल है, क्योंकि मुझे प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा। और यहाँ पे ऐसा जो रैक पे रखा है, अलग अलग से रखा है, क्योंकि सेटिन का भी टाइप होता है, सेटिन के साथ कुछ मिक्स होता है, सो उन्होंने ऐसे भी रखा है और उसके साथ प्राइस भी वैरी होता है। अकॉर्डिंगली मुझे उनका प्राइस सही लगा दूसरे दुकान के साथ कंपेयर करके। और इनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, वो है सेटिन का प्रिंट, जो मुझे बहुत सारी शॉप में नहीं मिले, लेकिन मुझे प्रिंट उतना पसंद नहीं आया इसलिए मैंने नहीं लिया, मैंने सिंपल वाला ही लिया। आपने देख लिया जमजम मार्केट कहाँ पे है, कैसा है। और मैंने यहाँ से 2 मीटर का कपड़ा लिया है, मैंने जैसे मैंने आपको बताया 70 रुपीज का था, 70 दो लिया है, एक है ऐसा रेड का थोड़ा सा डार्कर शेड है, मरून और रेड का बीच का जो शेड है, मुझे एग्जैक्टली शेड का नाम नहीं पता। इससे मैं मेरा पिलो कवर बनाने वाली हूँ एक, और एक लिया है, ये भी 1 मीटर है, ये कैमरा में एकदम ब्लैक लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली ब्लू का एकदम डार्क शेड है। एक्चुअली मैंने दो इसीलिए लिया क्योंकि एक को धोने डालूंगी तो और एक यूज़ करूंगी, इसीलिए ये पिलो कवर। और ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसे मैं पिलो कवर बनाऊंगी दोनों को। और यहाँ पे मैं लेस लगाने वाली हूँ, मतलब पिछली वीडियो हेल्प की होगी बहुत सारे लड़कियों को टू फाइंड द राइट शॉप। और मैं फिर से बोल रही हूँ, ये शॉप, ये वीडियो के लिए मुझे किसी शॉप ओनर ने कुछ भी नहीं बोला, मैंने जस्ट सोचा कि आपको हेल्प कर दूँ। तो मैसूर अगर आप आते हैं, या फिर आपका कोई दोस्त आता है, या फिर आपका कोई रिलेटिव आता है, या फिर आप मैसूर पे रहते हो, देन एंड इफ यूर really concerned about your hair, then go for it. इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपको ढूंढना ना पड़े और आपको authentic चीज़ मिले, इसीलिए मैंने आपको बताया। लेकिन आप कोई भी शॉप से लो, लेकिन कर्ली हेयर लड़कियाँ मैं आपको बोलूँगी कॉटन के पिलो कवर पर आप मत सोइए, क्योंकि सिल्क और सेटिन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेयर, क्योंकि कॉटन में अगर हम सोते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा फ्रीज होता है। मैंने आपको मेरा जो बनाना जो डीसी था, डीप कंडीशनिंग जो वीडियो था, उसमें आपने देखा होगा मेरे बाल में सुबह कितने ज़्यादा फ्रीज आ गया था, जस्ट बिकॉज मैं कॉटन का पिलो कवर में सोई थी, मेरा सारा जो मेहनत था वो पानी में गया था, फ्रीज आ गया था कितना ज़्यादा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था, मैं आई बटन पे चिपका दूंगी। तो ये रहा मेरा छोटू सा वीडियो, आई होप इट हेल्प यू, और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन और कमेंट डाउन देयर कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। And also subscribe to my channel and share with your friends. Do take care of your health. And मैं क्या बोलती हूँ हर वक्त, एंड आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी और रहिए फिट। बाय बाय। मैंने सोचा नहीं कि मैं कैसे जाऊंगी।